कोई गलती नहीं थी, तभी आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कुछ किया ही नहीं था, तभी आपने मुझे ब्लेम किया। झूठे झूठे आरोप लगा दिए सबने मिलके। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने कहाँ गलती करी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में, मैं हूँ नीतीश पाठक। मोहनलालगंज से बीजेपी के सांसद कौशल किशोर के परिवार का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। अब सांसद की बहू ने उनके घर के बाहर पहुंचकर अपने हाथ की नस काट ली। आत्महत्या के प्रयास से पहले सांसद की बहू का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने कहा था कि मैं जान देने जा रही हूं। अंकिता ने इसके बाद दो वीडियो जारी कर आयुष के साथ अपने रिश्तों का पूरा सच सामने रख दिया। इसमें उसने आयुष पर गंभीर आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुए हैं, एक वीडियो करीब 5 मिनट और दूसरा वीडियो 3 मिनट का है। तुम्हारे साथ रही इसलिए गलती करी, तुम्हें साथ शादी करी इस चीज की गलती करी। खुश थी मैं जैसे भी थी, गलत कर दिया मेरे साथ जीने की, कोई वजह नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। कितना लड़ू सबसे, क्योंकि तुम्हारे पापा सांसद है ना, तुम्हारी माँ विधायक है, मैं कुछ नहीं कर सकती। कहीं जाऊंगी कोई सुनेगा नहीं, मैं किसी से लड़ नहीं सकती। लड़के देगा, मांग के देगा तुमको, नहीं सब झूठ झूठ बोलते, तुमको मार सकती थी, तुमको हाथ तक नहीं लगाने देती थी किसी को, तुमको मैं मार सकती थी, इतना झूठ बोल दिया तुमने। मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं तुमने, मैं जी हूँ, मैं जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे घर वालों ने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। तुम्हारे पापा से मैं रिक्वेस्ट करी, अभी फोन नहीं किया मैंने उनको, फोन मेरा काट रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं मेरे साथ। वो भी कह रहे हैं, सब कह रहे, सब झूठे झूठे आरोप लगा रहे। मैं जो मर रही हूँ ना, इसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारा परिवार, पूरा घर भर है तुम्हारा, क्योंकि सामने मेरी जिंदगी में बात करी है। तुम सबको ये करना था, फिर हाँ क्यों किया था सबने शादी के लिए? तुमसे प्यार करने की ये सजा मिली मुझे, किसी से प्यार नहीं करना, कुछ भी कर लेना। मैं तो जा रही हूँ, कभी आऊंगी नहीं तुम्हारी जिंदगी में, इस दुनिया से जा रही हूँ, तुम रहना कुछ। जहाँ पे तुमको कोई प्यार नहीं करता था, तुम ही तो कह देते ना कि तुम्हारे घर वाले तुमको प्यार नहीं करते, है ना? आज तुम उनके पास ही चले गए हो वापस मुझे छोड़ के। आना तब मेरे हाल तक पूछने नहीं है, मेरा घर छूटे, रेंट नहीं दिया, खाना गैस सिलेंडर नहीं था, कुछ भी नहीं। एक बार सोचा नहीं मैं क्या खाऊंगी, कहाँ रहूँगी, सारी चीज़ें मेरी गई है, तुमको तो तुम सब कुछ मिल गया, मेरा क्या? मेरा कभी नहीं सोचा। मैं इंतजार करती रही कि तुम आज आ जाओगे, कल आ जाओगे, शायद तुम सरेंडर करो तो मैं तुमसे एक बार मिल पाऊँ, मैं बात कर पाऊँ। आज तुम थाने में गए थे, बस वीडियोस भी हैं, मैं गई थाने तो लोगों ने बोला तुम नहीं आए, सब झूठ, सब मिले हुए एक तरफ से, पुलिस सारे लोग तो मिले हुए, मैं किसको बोलूँ, किस पे भरोसा करूँ? कुछ है नहीं मेरी जिंदगी में, तुमने छोड़ा बस। अच्छा क्या ना, बहुत इंतजार किया था मैंने तुम्हारा, अभी तक सोचे थे तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम वापस आ जाओगे, ऐसा लगता था, तुम वापस नहीं आए, तुम वापस भी नहीं आओगे तो मुझे रहना भी नहीं है, अब बहुत हो गया, मैं हार गया इसमें, हार गई लड़के सबसे, हार गई। अब मैं शायद ये इतना ही वक्त मुझे रहना था और मुझे शायद जाना था इस दुनिया से। कोई बात नहीं, मैं जा तो रही हूँ, तुम याद रखोगे, मेरे से जाने वाला कभी नहीं मिलेगा, तुम्हारी गलतियों में तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे मारने में भी तुम्हारे साथ थी, तुमने जो भी किया मेरे साथ तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही, छोटी छोटी चोटें लगाई तुमने, मुझे पता था कि तुम छोटे हो, पर मैं तब भी तुम्हारे साथ थी।
और जिस फैमिली के साथ हो ना, तुम्हें तो कहते थे वो तुमसे प्यार नहीं करते, से मतलब ही है ना। आज उन्हीं लोग के पास तुम चले गए ना, क्योंकि आज तुमको अपना मतलब नजर आ रहा है ना। एक बार बच्चे के बारे में तक नहीं सोचा, कोई फायदा नहीं है। बहुत लेट कर दिया, मैं जा रही हूँ। मेरे मरने की वजह तुम हो आयुष, तुम ही हो। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाई विकास किशोर है, और कोई नहीं है। बाकी तुम्हारे परिवार बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं। अंकिता ने वीडियो में कहा है कि आयुष तुम कहते थे कि तुम्हारे घर मैं अपने माँ बाप से माफी मांगना चाहता हूँ जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के। कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की, हमेशा हर चीज उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उस पर ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सजा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। घर चले गए उन्हीं लोगों के पास जो तुमको प्यार नहीं करते, आज वही लोग अच्छे हैं। तुमने कहा था कि सरेंडर करने के बाद मैं साथ रहूंगा। तुम थाने पर आए, वहां वीडियो बनाए, वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुझे जानकारी हुई। मैं थाने भी गई, वहां भी तुम नहीं मिले। तुमने मुझसे बात भी नहीं की और अंकिता ने वीडियो में कहा है कि तुम्हारा बहुत इंतजार किया, ऐसा लगता था कि तुम आओगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे नहीं रहना है, मैं हार गई हूँ। मुझे इतना ही वक्त के लिए रहना था, अब दुनिया से जाना है। तुम मुझे याद रखोगे, हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे गलतियों को भी मैंने छिपाया, झूठी चोटें भी कई बार लगाई, इसे भी मैंने छिपाया। मुझे पता था कि तुम छोटे हो लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। तुम इतने मतलबी हो इसके बारे में मुझे नहीं पता था। अब कुछ नहीं बचा, तुमने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। मेरे मरने की वजह तुम हो, तुम आयुष, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पिता कौशल किशोर, माँ जया देवी और भाई विकास किशोर जिम्मेदार हैं। इसके अलावा वीडियो में कई और बातें कही। इस मामले में बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने कहा है उसे आप मेरी बहू मत कहिए, उसने और आयुष ने शादी की और मैं इसके पक्ष में नहीं था। अंकिता मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अंकिता के पीछे कोई और है जो उसे उकसा रहा है और वह नाटक कर रही है। उसने मेरे घर को दूर आत्महत्या का प्रयास किया था। इससे पहले अंकिता ने अपने पति आयुष और उनके परिवार वालों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। साथ ही अंकिता ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। आयुष किशोर की पत्नी अंकिता ने कहा था कि यूपी के पुलिस पर उसे भरोसा नहीं है। इस मामले की सीबीआई जांच घर चले गए उन्हीं लोगों के पास जो तुमको प्यार नहीं करते थे, आज वही लोग अच्छे हैं। तुमने कहा था कि सरेंडर करने के बाद मैं साथ रहूंगा। तुम थाने पर आए, वहां वीडियो बनाए, वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुझे जानकारी हुई। मैं थाने भी गई, वहां भी तुम नहीं मिले। तुमने मुझसे बात भी नहीं की और अंकिता ने वीडियो में कहा है कि तुम्हारा बहुत इंतजार किया, ऐसा लगता था कि तुम आओगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मुझे नहीं रहना है, मैं हार गई हूँ। मुझे इतना ही वक्त के लिए रहना था, अब दुनिया से जाना है। तुम मुझे याद रखोगे, हर कदम पर तुम्हारे साथ थी। तुम्हारे गलतियों को भी मैंने छिपाया, झूठी चोटें भी कई बार लगाई, इसे भी मैंने छिपाया। मुझे पता था कि तुम छोटे हो लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। तुम इतने मतलबी हो इसके बारे में मुझे नहीं पता था। अब कुछ नहीं बचा, तुमने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। मेरे मरने की वजह तुम हो, तुम आयुष, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे पिता कौशल किशोर, माँ जया देवी और भाई विकास किशोर जिम्मेदार हैं। इसके अलावा वीडियो में कई और बातें कही। इस मामले में बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने कहा है उसे आप मेरी बहू मत कहिए, उसने और आयुष ने शादी की और मैं इसके पक्ष में नहीं था। अंकिता मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अंकिता के पीछे कोई और है जो उसे उकसा रहा है और वह नाटक कर रही है। उसने मेरे घर को दूर आत्महत्या का प्रयास किया था। इससे पहले अंकिता ने अपने पति आयुष और उनके परिवार वालों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। साथ ही अंकिता ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। आयुष किशोर की पत्नी अंकिता ने कहा था कि यूपी के पुलिस पर उसे भरोसा नहीं है, इस मामले की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के फरार पुत्र आयुष ने एक वीडियो जारी कर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने वीडियो में सफाई देते हुए बताया था उसे पत्नी अंकिता सिंह ने फंसाया है। उसने कहा कि वह सरेंडर कर देगा, उसने कोई गलती नहीं है, उसने खुद पर गोली चलवाई, अगर वह उस दिन घर में होता तो उसकी हत्या कर दी जाती। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें SCN न्यूज। शुक्रिया। जांच करानी चाहिए,
बीजेपी सांसद कौशल किशोर के फरार पुत्र आयुष ने एक वीडियो जारी कर अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उसने वीडियो में सफाई देते हुए बताया था उसे पत्नी अंकिता सिंह ने फंसाया है। उसने कहा कि वह सरेंडर कर देगा, उसने कोई गलती नहीं है, उसने खुद पर गोली चलवाई, अगर वह उस दिन घर में होता तो उसकी हत्या कर दी जाती। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें SCN न्यूज। शुक्रिया।